नमस्कार, टीवी इंडिया के फेस टू फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त सुधीर शर्मा। एक शायर ने लिखा है कि जमाना वाकिफ कहाँ है मेरी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। मेरे साथ आज एक ऐसी ही शख्सियत रूबरू हैं, नाम है अलका पांडे जी। 30 वर्षों से ज़्यादा का सामाजिक और राजनीतिक जीवन, साहित्यिक क्षेत्र में एक लंबा काम, देश भर के साहित्यकारों रचनाधर्मियों को आपने मंच दिया, सामाजिक क्षेत्र में आपने तमाम काम किया, अग्नि शिक्षा मंच के जरिए सैकड़ों हजारों महिलाओं को आपने संगठित किया, उनको जागरूक किया और अधिकार उनको दिलाने का प्रयास किया है। आज भी पिछले 30 सालों से आपका ये जो संघर्ष है वो लगातार जारी है, न्याय दिलाने का, जागरूकता बढ़ाने का और साहित्यिक रचनाधर्मिता को प्रोत्साहन देने का। इस वक्त स्वयं हमारे साथ सुश्री अलका पांडे जी मौजूद हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे पहला सवाल हम यही करेंगे कि इतने लंबा सफ़र आपने तय किया है, 30 से ज़्यादा सालों से आप लगातार कार्य कर रही हैं सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में, किस तरह का आपका सफ़र रहा है, शुरुआत कहाँ से हुई और यहाँ तक आप कैसे पहुँची हैं? शुरुआत तो बहुत कठिन थी क्योंकि मैं जिस माहौल से आई हूँ, एक उत्तर भारतीय परिवार से थी। मेरे फादर के यहाँ तो बहुत, क्योंकि हम 5 बहनें हैं तो फादर के यहाँ बहुत छूट थी, टेबल टेनिस खेलना, सब काम करना। उनका ये कहना था कि लड़कियाँ पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ी हों, शादी कोई गारंटी नहीं है जीवन की। तो वो उन्होंने कुछ हमको इस तरह से परवरिश हमारी दी थी। तो जब मैं ससुराल आई बॉम्बे तो यहाँ का माहौल बहुत विचित्र था, घूंघट प्रथा और एकदम अंदर रहना, और मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं घर के बाहर निकलूँ। तो पहले तो घर से बहुत संघर्ष हुआ और जब मैं बाहर नहीं निकल पाती थी करीब शादी के 1 साल तक, मुझे ये भी नहीं पता था कि घर की सीढ़ियाँ कहाँ हैं और बाहर कैसे जाते हैं। तो अंदर एक ऐसी घुटन थी कि क्या मैं रोटी बनाऊँगी और घर का काम करके मर जाऊँगी, कुछ कर नहीं पाऊँगी, तो ऐसी भावनाएँ उठती थी। फिर कुछ संजोग ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड 1 साल के अंदर सऊदी अरब चले गए जॉब के लिए। फिर तो आपको पता है कि उत्तर भारतीय परिवारों में यदि पति साथ में ना हो और ज्वाइंट फैमिली हो तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है। फिर मैंने घर से उस समय लिखना शुरू किया और मेरी सहेली सरिता वगैरह में कहानियाँ ये सब लिखती रही। उसमें मेरे ससुर ने थोड़ा मुझे बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, मेरे ससुर का ऐसा नेचर था कि बहुएँ बाहर जाएँ, कुछ काम सीखें, बैंक जाएँ, बैंक का काम करें, थोड़ी इंडिपेंडेंट हो, तो उन्होंने मुझे थोड़ा प्रोत्साहन दिया तो मैं करती थी। फिर मैंने धीरे से ब्यूटी, ऐसे मेरी बहुत लंबी यात्रा है, धीरे धीरे करके मैंने पहले ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया। तो ये बोलने गई कि मैं सिर्फ ऐसे ही जाती हूँ, छिप के वो काम किया 2 घंटे के लिए बोल के। फिर मैंने वहाँ पे जॉब किया तो मेरे हस्बैंड को बोला कि नहीं, मैं एडवांस कोर्स कर रही हूँ, जॉब नहीं कर रही, क्योंकि जॉब करना कोई घर में पसंद नहीं करता। फिर मैं बाहर निकली तो उस समय 96 के दंगे हुए था, 92 के है ना बम्बई में, तो उसमें मैंने राधाबाई चाल में बहुत काम किया। अच्छा। तो मुझे पत्रकार भाइयों ने बोला, मैडम आप इतना काम कर रहे हो इनके लिए तो आप कोई संस्था क्यों नहीं बना लेते। उस समय तक मुझे संस्था क्या होती है ABCD नहीं मालूम थी कि संस्था कुछ होती है, बस ये था कि काम करना है, काम करना अच्छा लगता था तो काम करती थी। फिर ऐसी बात की, जो मेरे साथ एक दो महिलाएं आती थी उनसे पूछा कि क्या बनाएं क्या। तो इस बीच में एक वकील साहब से हमारी पहचान हो गई थी, नागेश मिश्रा, तो उनसे पूछा, उन्होंने बोला हाँ मैडम मैं आपको संस्था करके देता हूँ। तो पहले हमने एक संस्था बनाई, सोशल एड फोरम, मुझे वो नाम कुछ जमा नहीं। अच्छा। मैंने कहा नहीं, इसमें काम नहीं करूँगी। फिर मैंने सोचा नहीं, कुछ ज्वलंत नाम होना चाहिए। तो फिर अग्निशिखा मंच करके उसकी स्थापना की और पहला ही केस हमने ममता कुलकर्णी पे किया। आपने देखा होगा उस समय एक अश्लीलता की बहुत लंबी बाढ़ आई थी। तो बाढ़ क्या, अच्छा इस बीच में मैंने अंधेरी टाइम्स ज्वाइन किया था, अंधेरी टाइम्स जो निकलता है आज भी, तो वो न्यूज़पेपर ज्वाइन कर लिया था। तो उसमें कभी कभी लिखने जाती थी क्योंकि घर से निकलने का कुछ ना कुछ बहाना चाहिए था। बहुत काम मैंने उस समय चोरी छिपे भी घर से किए हैं, लेकिन बहुत प्रेशर था कि इतने बजे घर पे आना, इतने बजे मत जाना, कहाँ जा रही हो, ये सब, लेकिन वो धीरे धीरे मैंने मैनेज करती चली गई। और बीच में ऐसा भी आया कि सबने बोला बैठ जाओ, ये सोशल वर्क कुछ नहीं होता है, तुम थैंकलेस जॉब कर रही हो, इससे कुछ नहीं होने वाला है, दुश्मन। जब ममता कुलकर्णी का केस किया तो बहुत फ़ोन भी आए। अच्छा। कि एसिड तेजाब डाल देंगे, आपको ये कर देंगे, तो घर के लोग थोड़ा डरे भी। तो फिर लेकिन मैंने उनको समझाया कि नहीं, ऐसा तो मरना तो एक दिन है, ऐसे भी मर सकते। फिर हमने खेरनार के साथ में, मैंने रेड लाइट एरिया में भी बहुत, खेरनार के साथ में रेड लाइट एरिया में डाली। वहाँ का एक किस्सा खाली मैं बताऊंगी क्योंकि वो हमने पहले दिन ही जब रेड डाली तो वहाँ पे छोटे छोटे दबड़े, शायद आप उस एरिया में गए होंगे कि नहीं गए होंगे। बिल्कुल। और
काफी लोगों को मारा पीटा भी, निकाला भी, तो वो हाथ में जो पसीने लग जाते हैं ना, घर में आके दो दिन तक खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, लग रहा था अभी छूटेगा ही नहीं है। और सारी लड़कियों को नीचे लेके आते थे और सब लड़कियों का एक ही जवाब कि मैं 22 साल की हूँ, चाहे वो 35 साल की होगी, पर उनके जवाब यही थे कि मैं 22 साल की हूँ, मैं अपनी मर्जी से हूँ, मुझे घर जाने को मिलता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी बीच में क्या होता है कि एक लड़की औरत आके लिपट जाती है मुझसे, वो बोलती मैडम मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से ले चलना है। हम उसको लेके हमारे घर आते हैं तो मैं उससे पूछती हूँ कि क्या हुआ, तो उसका ये कहना था कि वो दो दिन पहले बम्बई आई थी। अच्छा। और उसके हस्बैंड उसको, अच्छा, और वहाँ पे एक जगह उन्होंने खड़ा किया उसको और चले गए। आधा एक घंटा हो गया, एक घंटा हो गया, उसके हस्बैंड नहीं आए, तो वहाँ रोने लगी। यस। एक आदमी आया, वो बोलता है कि मैं आपको ले चलता हूँ, मिलवा देता हूँ, और लेके उसको लिया। तो उसने जो किस्सा बताया कि एक रात में दर्जनों आदमी उसके पास गए होंगे और वो रो रही थी। फिर मैंने उसको समझाया कि बेटा तू अपने में नंबर लिया, मैंने उसके हस्बैंड को फ़ोन किया, मेरे घर पे ही रखा उसको, मैंने कहा कि तुम ये बात मत बताना, कहना मुझे मिली हो, मैं तुमको यहाँ लेके आई हूँ। यस यस। और वो गाँव की थी, इतना कुछ उसके दुनियादारी उसको पता नहीं थी, और उम्र भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं रही थी उसकी। तो उसने जब उसके हस्बैंड आए मेरे घर पर तो उसने अपने हस्बैंड को सब बता दिया। अब उसके हस्बैंड बोलते हैं मैं घर कैसे ले जाऊँ, मेरे भाई तैयार नहीं होंगे, मेरी जिठानी है, मैं तो नहीं रख सकता हूँ। तो मैंने उनको, मैंने कहा तुम्हारे भाई से बात करो, फिर मैंने उनको दम दिया। मैंने कहा यदि तुम इसको अपने नहीं ले गए तो मैं तुम्हारे ऊपर केस करूँगी कि तुमने इसको बेच दिया था। बेच दिया, यस बिल्कुल। तो वो थोड़े डरे तो लेके गए, लेकिन उनके घर वालों ने बहुत ऑब्जेक्शन किया, लेकिन मुझे उसके लिए बहुत फाइट करनी पड़ी। yes. पर ये रखा। लेकिन इस तरह के जब हम काम करते हैं तो जो खुशी मिलती yes. है अंदरूनी, वो ऐसा लगता है कि हमने समाज के लिए कुछ किया या कुछ किया, महिलाओं के लिए मैं कुछ कर पाई। yes. इसी तरह बहुत सारे किस्से हैं। खैर, उत्तर भारतीय परिवारों में जो दहेज के लिए या किसी और वजह से घर में नहीं रखते थे, यहाँ तक कि मैंने ताले तोड़वा के भी उनको रखवाया है उनके घरों में सुरक्षित। मैं ये सवाल पर आऊंगा क्योंकि वो मेरा एक सवाल है, उसमें थोड़ा सा आपसे डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। जिस परिवार से आप ताल्लुक रखती हैं वो एक ऐसी फैमिली है जिसमें महिलाओं को कुछ करने की जरूरत नहीं, एक रसूख वाली फैमिली कह सकते हैं, एक धनाढ्य सनाढ्य फैमिली। ऐसे में तमाम जो पाबंदियां, जैसे आपने खुद भी जिक्र किया कि पाबंदियां ऐसी होती हैं कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलेंगी, लेकिन एक चीज़ आपने उसमें पॉजिटिव चीज़ बताई कि जो आपके ससुर थे वो बहुत ही मतलब ओपन ख्यालात के थे और वो चाहते थे कि हमारे घर की लड़कियाँ जो थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ें। ये पाबंदियाँ तोड़ने में कितनी कठिनाई होती है और आपने उसको तोड़ के, इन दीवारों को तोड़ के आपने समाज के लिए आज इतने लंबे समय से आपने काम किया। देखो, पाबंदियाँ तोड़ने में महिलाओं को बहुत जूझना तो पड़ता है और बहुत कुछ सहना भी पड़ता है। और जिस महिला में सहन शक्ति है वही समाज में काम कर सकती है। और जो महिला पहले घर को पूरा व्यवस्थित करके घर के लोगों को खुश करके बाहर निकलती है वही समाज सेवा कर सकती है। नहीं तो आपको आपको चुनना पड़ेगा घर या परिवार। परिवार आप पूरा लेके चलते हो, हमें बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। और यदि हमने बैलेंस बनाना सीख लिया, वो चाहे हम लेडीज हो या पुरुष हो, दोनों के लिए मैं कहूँगी, तो स्मूथली काम कर सकता है। और लेडीज़ के साथ दिक्कत ये है कि बच्चे भी हो जाते हैं छोटे, बच्चों को भी संभालना है, परिवार को भी देखना है, और फिर मेरे हस्बैंड सऊदी रहते थे तो मुझे बच्चों को भी देखना था, तो बहुत सारी कठिनाइयाँ थी। तो उनको सबको किसी तरह बैलेंस करके, क्योंकि मन में एक लगन थी काम करने की, चाह थी, और एक जुनून था। उस समय तो ऐसा जुनून था कि रात क्यों आती है, रात नहीं होती तो मैं रात को भी काम करती। और मेरा नाम ही मोर्चे वाली पड़ गया था, मैंने इतने मोर्चे निकाले कि तो वो एक काम करने का। आपके हस्बैंड है, जैसे आपने कहा कि वो मतलब विदेश में काम करते हैं, एक तरफ प्रोफेशनल है, बिजनेसमैन है, आपके बच्चे प्रोफेशनल हैं, तो परिवार में आपकी समाज सेवा को कितना इम्पोर्टेंस मिला है और किस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया है, मतलब बच्चे, हस्बैंड और जो दूसरे मेंबर्स हैं? आज तो मुझे सब कर रहे हैं। हाँ, आज तो ऐसा हो गया कि उनकी मजबूरी बोलो या कुछ भी बोलो, आज तो सब कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी घर में कुछ ऐसी बात हो जाती है या कोई उनके मन की नहीं होती है, तो दो बातें तो सुनने को मिल ही जाती है। हाँ, कि जितना अभी कोई बाहर का आएगा तो उसका काम करने दौड़ पड़ेगी, घर के काम यस, हाँ, तो ये तो लेडीज के साथ होता ही है। लेकिन सहयोग मिलता है, बेटों का भी सहयोग है। बेटा की मेरी खुद की, उसकी खुद की भावना समाज सेवा की है, पर क्या आजकल के बच्चे हैं तो उनका तरीका काम करने का अलग है, मेरा अलग। उसको बोलते हैं मम्मी आप खुद करने जाती हो, जैसे मैं साल में दो तीन बार आदिवासी इलाके में जाती हूँ, वहाँ लोगों को अनाज और ये बांटना, उनके साथ पूरा दिन बिताती हूँ, खेलती कूदती हूँ। तो मेरा बच्चे बोलते हैं मम्मी आप ये काम करने से अच्छा है कि आप उनको पैसे भिजवा दो। उनका ये तरीका है कि आप इस तरह से मदद करो। तो मेरा ये कहना है कि यदि मैं पैसे दूंगी तो दारू पी लेंगे और कुछ गलत काम में आदमी डाल देंगे और औरत से छीन भी सकते हैं, मारपीट, दुरुपयोग होगा, दुरुपयोग होगा। और मैं अपने हाथ से यदि उनको अनाज देती हूँ तो वो घर में बच्चों के पेट में जाएगा, बच्चे खाएंगे। कंबल देती हूँ तो वो ओढ़ेंगे,
ठंड के दिनों में मैं हर जनवरी के महीने में मैं कंबल बांटती हूँ, तो मैं बोलती हूँ कि मैं ये करना चाहती हूँ, तो मुझे तसल्ली होती है कि ये उनके यूज में आया। पैसा तो कोई भी किसी को दे सकता है और वो काम में नहीं आता है, गलत यूज भी हो सकता है। तो इस तरह से बच्चों का और अपना काम करने का तरीका मैंने किसी किताब में पढ़ा कि झांसी की जो रानी थी उन्होंने एक नारा दिया था कि जीत उतनी ही बड़ी होती है जब औरतें उठ खड़ी होती हैं। और आपके बारे में जो देखने सुनने के लिए मिला है कि आपने एक बार खुद चुनाव में आप खड़ी थी, आपने चुनाव लड़ा, तो ये इस कहानी को बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक तरह से सटीक बैठती है कि जब औरतें उठ खड़ी होती हैं तब जीत बड़ी होती हैं। आपका जो अनुभव रहा वो राजनीति कैसा रहा, क्योंकि आप खुद चुनाव में खड़ी थी? मेरा अनुभव यह रहा है कि महिलाओं को पुरुष जल्दी उनके अधिकार देता नहीं है। तो मैं महिलाओं से अक्सर कहती हूँ कि ये कहते जरूर है कि समानता का अधिकार है, आप हमारे कंधे से कंधा मिला के खड़ी हैं, पर खड़े नहीं होना देता है क्योंकि उसको डर है कि यदि महिलाएं बेहतर, क्योंकि महिलाएं सहन शक्ति होती हैं और यदि वो बेहतर काम कर जाएंगी तो उनका स्थान कम हो जाएगा। तो वो भयभीत है महिलाओं से पुरुष, और वो महिलाओं को वो हक देना नहीं चाहता। जब मैं इलेक्शन में खड़ी हुई थी तो कांग्रेस के ही दिग्गज लोग मेरे को हराने में लग गए थे, क्यों, जबकि हमारे अध्यक्ष उस समय के उन सबसे आके माफ़ी बोला कि बेटी को इसको लड़ने दो, ये तेज तरार है। तो उनका ये कहना था कि ये तेज तरार है, आज नगर सेवक बन जाएगी, कल उत्तर भारतीय कोटे से ये एमएलए की भी दावेदार हो जाएगी। तो वहाँ पे उनको अपनी सीट का खतरा था, इसलिए मेरे साथ बहुत ज़्यादा वहाँ भी जाती हुई। और अब यकीन मानिए, जिस समय वोटिंग हो रही थी मैंने वोटिंग में इतनी धांधली थी, एक नगर सेवक के उसमें से मोबाइल निकला, ये निकला, तो मैंने वो रोक दी थी वोटिंग और मैंने कहा कि अब नहीं होगी, इलेक्शन दोबारा होंगे, और मेरे नारे लगाए और सब लोग मेरे सपोर्ट में आ गए थे। लेकिन एक मेरी पत्रकार मित्र थी जो आई और मैंने जो इंडिपेंडेंट खड़े थे उनको मैंने कहा आप इसे पानी डाल दो तो फिर से वोटिंग होगी। उसने मुझे डरा दिया और उन लोगों को डरा दिया कि ये मत करना, नहीं तो तुमको इतने साल की जेल हो जाएगी, ये हो जाएगा। और मैं कांग्रेसी नेताओं को, बड़े नेताओं को फ़ोन करती रही, सर यहाँ पे धांधली है, आप आ जाइए, मैंने रोक के रखी हुई है, मैं वोटिंग नहीं काउंटिंग नहीं होने दे रही हूँ। हमारे नेता आए, लेकिन वो टाइम पूरा हो जाने के बाद आए और उन्होंने कहा कि बेटा कुछ नहीं हो सकता है, अब हो गया जो हो गया जो हो गया हो गया। उसके बाद मैंने सोनिया गांधी को लेटर लिखा, मैं 10 जतपंथ के वहाँ बैठ के अनशन करने वाली थी, तो फिर हमारे एक नेता का फोन आ गया मुझे और उन्होंने कहा ये क्या करने जा रही हो, ये मत करो, अनशन वनशन अच्छी बात नहीं है, जो होना था हो गया, आगे हम देखते हैं। तो इस तरह से महिलाओं के साथ तो हर जगह होता है, और जो डरी दबकी या कुछ कम बोलने वाली होंगी शायद उनको वो लोग कुछ दे के खुश कर देते हैं, लेकिन तेज तर्रार और जो अपने हक के लिए लड़ना जानती हैं उनको बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ता है। आज देश में आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी का एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब इतना बड़ा नारा जिस देश में औरतों की देवियों के तौर पर पूजा होती रही है, यहाँ की संस्कृति ऐसी रही है अपने देश की, इसके बावजूद भी आप देखिए तो समाज के हर तबके में, चाहे कोई भी तबका हो, देश का कोई भी हिस्सा हो, वहाँ आज भी महिलाओं के साथ तमाम तरह के अत्याचार और उत्पीड़न की खबरें आती हैं। आप इसके पीछे क्या कारण मानती हैं? मैं इसके पीछे कारण मानती हूँ कि आज भी हम देखने के लिए ऊपर से बहुत आधुनिक हो गए हैं, पर अंदर से हम अभी भी संकुचित हैं, और लेडी महिलाओं को या बच्चियों का हम उतना विकास नहीं कर रहे हैं जितना होना चाहिए। हम कहते हैं कि जैसे नारा ही दिया है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आज भी कितने गर्भ में गर्भपात हो रहे हैं, होते हैं, क्योंकि सबको लड़का चाहिए, क्योंकि कुलवंश चाहिए, नहीं हुआ तो मजबूरी है, लेकिन आज भी। और मैं सोचती हूँ इसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है पुरुषों से, महिलाएं खुद बेटा चाहती हैं और घर से ही बेटी और बेटे में फर्क माँ ही करती है सबसे पहले, माँ हो गई, दादी हो गई, आज तो बहुत कुछ चेंज आया है, फिर भी लेकिन आज भी यदि हम रूरल गाँव में जाएंगे या कहीं जाएंगे तो बहुत फर्क है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण, आज बलात्कार ऐसा नहीं, पहले भी होते थे, राजा महाराजा के समय भी बहुत शोषण होता था, लेकिन अब ज़्यादातर जो हो रहे हैं जो बच्चियों के साथ हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है इसका बहुत बड़ा कारण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है और मोबाइल भी है। अच्छा, पहले बच्चों के हाथ में मोबाइल आ जाने से आज हम किसी चीज़ को उसमें रोक नहीं सकते देखने के लिए, ये सही कहा। और जो कमजोर दिमाग के हैं, जिनकी मानसिकता संकुचित है, वो यदि उस समय उसका दिमाग में गलत केमिकल बन गए तो वो उसका भुगतान समाज को भोगना पड़ेगा और कहीं नहीं जाएगा। इसका असर एक हो रहा है, आप मान रही हैं कि फिल्मों का जो इसका असर है, जो सोशल मीडिया है उसका इम्पैक्ट हो रहा है। अभी जो हमारा ये कानून आ गया है, मैं इसमें कानून को भी कहूंगी कि जो
उस मैं बोलती हूँ बलात्कारियों का सख्त कानून होना चाहिए, या फिर मेरा ये मानना है कि आप पुरुष प्रथा को हटा दीजिए और बच्चे पैदा होने दीजिए कुंवारी लड़कियों के भी, और वो माँ का नाम देना दीजिए, समाज में उसको अपनाना शुरू कर दीजिए। तो ये बलात्कार का भी डर भाई जब फॉरेन में हो रहा है ना, वो डर ही खत्म कर दीजिए। आपने बहुत बड़ा मुद्दा, ये आपने बहुत बड़ी बात आपने कही है, मैं चाहूंगा कि इसको थोड़ा सा विस्तार से बताएं, क्योंकि अभी भी समाज इस दिशा में उतना गंभीर नहीं है। ये आपने बहुत ही ज्वलंत विषय उठाया है। आपके कहने के हिसाब से कि अगर ये पुरुष जो वर्चस्व है उसको खत्म कर दिया जाए, पूरा खत्म कर, पुरुष वर्चस्व बेशक रहे लेकिन महिलाओं को इतनी स्वतंत्रता रहे कि वो कुंवारी यदि माँ बन रही है तो घर में प्रेशर नहीं आए, समाज उनको धिक्कारे नहीं, स्कूल में उस बच्चे को एडमिशन मिले और वो ले, ताकि यदि बलात्कारी को सजा नहीं मिलती है, मैं ये भी मानती हूँ कई बार दोनों तरफ की मर्जी होती है, प्यार में भी काम होता है उसको हम बलात्कारी का रूप दे देते हैं, लेकिन वो बहुत कम होता है। लेकिन जब बलात्कारी का ये होता है तो वो लड़की को ही क्यों भोगना पड़े जहाँ उसकी गलती नहीं होती है, तो उसको ये सुरक्षा होनी चाहिए और माँ बाप को भी डर निकाल देना चाहिए, भैया ठीक है हुआ उसके साथ तो उसको उसने वो तो जुर्म भोग ही है, फिर उसको परिवार समाज दिलान दी जाता है, वो लड़की कहाँ जाएगी, फिर वो आत्महत्या करती है। आज हमारे युवकों में कितनी आत्महत्या बढ़ रही है आप देखते होंगे, तो ये युवकों में आत्महत्या बढ़ने का बड़ा कारण भी तो यही है कि कहीं ना कहीं वो समाज से उपेक्षित है, परिवार से उपेक्षित है, या अपनी बात किसी के सामने वो रख नहीं पाते, कोई उनको बेहतर समझाने वाले नहीं। मैडम अब देखिए, आज़ादी को अगर आप देखें तो 72 साल हो रहे हैं, लेकिन आज भी अगर गौर करें तो तमाम ऐसे ऐसे प्रदेश हैं या ऐसे इलाके हैं जहां लोग आज भी नंगे भूखे हैं, आज भी लोगों को जो मौलिक ज़रूरतें हैं, जो जो रोटी कपड़ा मकान है उसकी ज़रूरतें आज पूरी नहीं हो पा रही हैं। एक सामान्य दर्जे का जीवन भी जीने के लिए अधिसंख्य लोग इस देश के 130 करोड़ की आबादी में अधिसंख्य लोग आज भी परेशान हैं, रोटी कपड़ा मकान के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये भारत की आज़ादी जो है, असली आज़ादी भारत में कब मिलेगी? असली आज़ादी हमारे यहाँ के जो आका बैठे हुए हैं वो चाहेंगे तो ही मिलेगी, क्योंकि यदि वो चाहें तो गांव का विकास करें और सचमुच जो गरीब हैं मजदूर हैं, क्योंकि हमारे यहाँ होता क्या है कि अमीर तो अमीर होता चला जाता है, जो गरीब है वो गरीब होता चला जाता है, उसकी सुनवाई नहीं होती है। आज कहने को राजे महाराजे खत्म हो गए, कहने को साहूकार खत्म हो गए, लेकिन आज फिर भी किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, मर रहे हैं, तो किसानों को कौन देखेगा? सरकार देखेगी ना। तो आज सरकार को चाहिए कि जो देश के प्रगति में सबसे बड़े मील के पत्थर साबित हो सकते हैं उनके लिए हम कुछ करें। आप किसानों को सुविधा ही नहीं दे रहे हैं, यदि किसान आत्महत्या करेंगे तो देश कहाँ जाएगा? आज पूरा देश लोगों घर को रोटी देने वाले वही है, तो उनको उनके लिए सोचना चाहिए। सरकार को भी गरीब तबके पे ज्यादा सोचना चाहिए। आप एक ही दो फैमिली को अमीर करते चले जाएंगे, सब कुछ उसको ही चले जाएंगे, अरे और भी तो दुनिया में, उनकी तरफ भी तो आप ध्यान दीजिए। तो ये उनको ध्यान देने की जरूरत है। तो ये आज़ादी नहीं है, ये तो फिर एक निरंतर शासक जैसा हो गया कि भैया हम जो मर्जी है हम तानाशाही चलाएंगे, तो तानाशाह कहीं नहीं होना चाहिए, वो अच्छा नहीं होता। आपकी नज़र में आज़ादी, आज की आज़ादी कितनी लग रही है? अंग्रेजों से हम आज़ाद हो गए हैं, हाँ, लेकिन हम अपने लोगों से आज़ाद कहाँ हुए हैं? अपने लोगों से तो आज भी बेड़ियाँ हैं पड़ी हुई हैं। आज भी देखिए, यदि ये लॉकडाउन हुआ है तो फॉरेन में देखिए कितनी छूट मिल गई है लोगों को। आज हमारे यहाँ लॉकडाउन के पहले कितना मजदूरों ने तकलीफें उठाई। आप 4 दिन पहले बोल देते हम ट्रेनें बंद कर रहे हैं, जिसको अपने अपने घर पहुंचना है पहुंच जाए, फिर करते। कोई व्यवस्था तो व्यवस्थित होनी चाहिए, और व्यवस्था करके उस काम को करेंगे तो किसी को तकलीफ नहीं आएगी। आप लोग सब अपने अपने जगह बैठे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भोगा है गरीब इंसान ने, हमारे श्रमिकों ने, मजदूरों ने, जिसकी वजह से हम लोग हैं। आज हमारे घर में पंखा खराब हो जाए, कुछ खराब हो जाए, तो कौन? वो लोग ही करेंगे। आज वो लोग ही सुखी नहीं है, उनके परिवार ही सुखी नहीं है, तो हम लोग कैसे सुखी रह सकते हैं? तो ये बहुत सोचने का और ज्वलंत मुद्दा है, इस पर गवर्नमेंट ने और ध्यान देना चाहिए। मैं आपको अगले सेगमेंट की तरफ ले जाऊंगा। आपकी जो संस्था है अग्निशिखा मंच, नाम से ही लगता है कि ये जाबाज महिलाओं का और जुनूनी ग्रुप है। एक तरह का एक ऐसा जज्बा इसके नाम में ही नजर आता है जो बहुत कुछ करने के लिए आतुर है। आप इस एक्टिविटी को कैसे चलाती हैं, और क्या क्या अभी तक कुछ काम जो इम्पोर्टेंट हुए हैं? कितनी महिलाएं आपके साथ इस वक्त हैं, कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं? देखिए, हम लोग एक तो सबसे पहले तो जितने भी पारिवारिक मुद्दे आते हैं डिस्प्यूट के, मेरा ये कहना है कि यदि आपको मिलजुल के रहना है तो मेरे पास आओ, तलाक लेना है तो कोर्ट पड़ा है। है ना? और फिर मैं ये कहती हूँ कि जैसा तुम इसको जानती हो, इसमें क्या कमी है तुम इसको जानते हो, तो ठोक बजा के अपने जैसा बना लो। तोड़ दोगे क्या मालूम, इससे बुरा मिल जाएगा तो क्या करोगे, वो भी छोड़ोगे क्या?
तो सबसे पहला तो मेरा ये रहता कि मैं परिवार ना तोड़ूं, जहाँ तक कोशिश है उनको समझा बुझा के एक कर दूं, और नहीं मानते तो मैं तलाक के लिए राजी नहीं होती हूँ, कोर्ट जाओ आप लड़ो जो करना है। बिल्कुल। और दूसरा जो हम लोगों के सालाना कार्यक्रम चलते हैं, जैसे कि हम लोग एक महिलाओं के लिए एक 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं, महिलाओं को पूरे इंडिया की महिलाओं को अलग अलग विषयों में उनको सम्मानित करते हैं। फिर आदिवासियों के साल में 3 बार मैं प्रोग्राम लेती हूँ, उनके लिए मेडिकल कैंप लगाना या अनाज वगैरह जो भी है वो देना। और जो सामाजिक आपदाएं आती हैं उनमें हमसे जो बन पता, देखो हमको गवर्नमेंट का कोई एड नहीं मिलता है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे मदद कर देते हैं, या मैं अपने संस्था की महिलाओं को मिलजुल के सब 200-500 निकाल के वो इकट्ठा एक बड़ी रकम हो जाती है, और हम लोग सब जाके वहाँ पे हम काम करके आ जाते हैं। तो इस तरह से चलते हैं। जैसे सार्वजनिक गणपति करती, इस साल से बंद कर दिया है, अब नहीं करूँगी ये सोच लिया है। और इस तरह के बहुत सारे काम है, गुदगुदी करके एक मैं कवि सम्मेलन साल में एक बार करती हूँ। इस तरह से बहुत सारे जो साल वाला ना कार्यक्रम में चलते रहते हैं। हर महीने एक मासिक गोष्ठी होती है। और हर साल हम लोग बच्चों की प्रतियोगिता है, महिलाओं की प्रतियोगिता है, इस तरह से अरेंज करते हैं। और जो केस आ जाते हैं हमारे पास उसको पूरे ईमानदारी के साथ कोशिश करते हैं। आपने एक अच्छा जिक्र किया, मैं उसी सवाल पर आना चाहता था कि आप हर साल गुदगुदी काव्य गोष्ठी करती हैं और वो नेशनल होता है, मैंने खुद भी कई बार ऑब्जर्वेशन किया है इसका। आप खुद भी एक बहुत अच्छी लेखिका हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं, और आपने देश भर के, जब लॉकडाउन में सब कुछ ठप था, तब आपने देश भर के साहित्यकारों, कवित्रियों, कवियों को आपने एक मंच पर ला के खड़ा किया। मुझे लगता है कि जो मैंने देखा है उसमें अभी तक कई सैकड़ों जो रचनाकर्मी हैं आपके साथ, इस 4,700-800 लोगों को मैं पढ़वा चुकी हूं। हाँ, तो ये अपने आप में, इस मुझे लगता है कि लॉकडाउन में अब तक की सबसे बड़ी साहित्यिक अगर गतिविधि कहें तो ये बहुत बड़ी साहित्यिक गतिविधि है। ये विचार आपके मन में कैसे आया कि जब भी लॉकडाउन हुआ 25 तारीख को पहला एक बार, तो मैंने सोचा कि अभी अचानक बोल दिया कि मार्च एंड तक हो गया है, तो मैंने उसी दिन से एक न्यूज बनाई, मैंने कहा कवि गोष्ठी लेते हैं पहले। तो ली तो देखा तो 250 लोग जुड़ गए मेरे साथ। हाँ। पहली बार में ही। तो जब मैंने लिस्ट बनाई, 27 मार्च से मैंने कार्यक्रम शुरू किया, और 40 दिन में रोज कवि सम्मेलन रहती थी डेली। डेली और 150-200 लोग जुड़ते थे रोज। 40 दिन के बाद ऐसा हो गया कि बहुत हो गया, अभी तो नहीं कर सकते हैं। तो मैंने हफ्ते में किया, तो सब लोग मायूस हो गए, मैडम घर में काम, औरतें बोलती हैं मैडम अब तो काम ही नहीं बचा रात को। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि क्या हो गया तेरे को लिखना नहीं, क्योंकि मैं रोज एक सब्जेक्ट देती थी। यस यस, उस पे वो लिखते थे, उसी पे वो, और उसी पे वो, उसी पे होता था। हाँ, उसी पे। तो फिर संडे की संडे कर दिया, अब संडे तक चल रहा था, अब मैंने पिछले हफ्ते में 2 दिन कर दिया है। तो ये संडे को आज सबके फोन आने शुरू हो गए, अरे आज तो पटल बंद है, आज तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अच्छा। मैंने कहा 15 दिन में होगा, 16 मार्च को है अभी हमारा। यस यस। तो मैंने ऐसा कहा, मैं सोच रही हूँ मैं मासिक गोष्ठी ऐसा शुरू कर दूँ, लेकिन लोग करने ही नहीं देंगे, क्योंकि वो खुद इतने पीछे पड़े हैं, उतावले हैं। पर एक बात ये अच्छी हो गई कि इसके बीच में मेरा इंडियन और फॉरेन सभी जगह से लोग जुड़े इतने कि मुझे 2-3 ग्रुप बनाने पड़े। काफ़ी लोग जुड़ गए हैं और अच्छे लोग जुड़ गए हैं, और उन लोगों का भी कहना लगा कि हमारा लॉकडाउन हमको पता ही नहीं चला कहाँ चला गया, हमारे पास इतना काम था, रोज हमें गुस्सा बना रहता था कि हमें लिखना है। तो ये एक अच्छा रहा, और हमारे लिए भी कि हमने कुछ गलत सोचा नहीं, अच्छी सोच नहीं। ये आपकी बहुत बड़ी एक पहल है, साहित्यिक पहल है। मैं समझता हूँ महाराष्ट्र में इतनी बड़ी बड़ी साहित्यिक और सामाजिक संस्थाएं, किसी ने इस तरह की पहल नहीं की कि देश और दुनिया के सारे, इतने सारे हजारों साहित्यकर्मियों को, रचनाकर्मियों को एक मंच पर जोड़ा जाए और निरंतरता में जोड़ा जाए। चूँकि मैंने पहले भी जिक्र किया कि आप एक अच्छी लेखिका और कवित्री हैं, मैंने कई बार आपको सुना भी है। अभी आने वाले, अभी देखिए ये देश की आज़ादी का अभी समय चल रहा है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी कोई ऐसी कविता सुनाएं जो देश प्रेम से जुड़ी हो, देशभक्ति से जुड़ी हो। आप अपनी डायरी ले मुझे सकती कोई याद तो रहता नहीं है। आप अपनी डायरी ले सकती हैं। है कि नहीं, शायद होगी तो देखती हूँ। जरूर। मैं बहुत अच्छी तो नहीं, लेकिन मैं यहाँ लघु कथाएं वगैरह लिखती हूँ। नहीं, आप सुनाइए कुछ जो आप सुना सकती हैं, तो कोई पोएट्री सुनाइए, देखती हूँ कुछ ऐसे मिल जाएगा। तो ये तो ऐसे था, चलिए गजल दिख गई। यस यस, बिल्कुल सुनाइए। हाँ बिल्कुल, स्वागत है। या जहर पिया या इश्क किया यह दुनिया है, या जहर पिया या इश्क किया यह दुनिया है, साथ हमें बदनाम किया यह दुनिया है। बहुत बढ़िया। उम्र हुई तो जीना और
बिल्कुल। उम्र हुई तो जीना और निखरता है, धड़कन धड़कन नशा प्यार का चढ़ता है। वाह वाह बहुत। धड़कन धड़कन नशा प्यार का चढ़ता है, मुश्किल लाख सताए मंजिल मिलती है, मुश्किल लाख सताए मंजिल मिलती है, तप तप कर कंचन जैसे रूप निखरता है। वाह वाह बहुत बढ़िया। दिल के हर पन्ने पर तेरा नाम लिखा, लिखा किसी को सुबह किसी को शाम लिखा। दिल के हर पन्ने पर तेरा नाम लिखा, लिखा किसी को सुबह किसी को शाम लिखा। मदहोशी से मैं तो नफरत करती थी, मदहोशी से मैं तो नफरत करती थी, तेरी आँखों ने ही मुझको जाम लिखा। वाह 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 बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ने ही मुझको जाम लिखा, बहुत सुंदर। ये मैंने उन बच्चों के लिए लिखा है जो माँ बाप पढ़ा लिखा के उनको बड़ा करते हैं और फॉरेन में चले जाते हैं फिर भूल जाते हैं। तो देखिएगा, जन्म दिया और जीना जिनको सिखलाया, जन्म दिया और जीना जिनको सिखलाया, उड़ा गगन में तो लौट कर वापस ना आया। जन्म दिया और जीना जिनको सिखलाया, उड़ा गगन तो लौट कर वापस ना आया। अधरों पर है हंसी दिलों में खामोशी, राज ये गहरा कोई समझ ना पाया। वाह क्या बात। मैडम आपने साहित्यिक अपने इस कविता के जरिए आपने बहुत कुछ इस तरह की बात कही है। देखिए एक साहित्य कहते हैं कि समाज का आईना है, आप आईना भी दिखा रही हैं और आप खुद आईना भी बन रही हैं ताकि समाज को उसकी कमियां दिखाई जा सकें, समाज को समाधान दिया जा सके। इस समाधान की राह में आपकी अग्निशिखा मंच है जो लंबे समय से काम कर रही है। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि एक्चुअली महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या जरूरी उपाय अभी करने चाहिए, क्या रास्ता हो सकता है कि महिलाओं को सक्षम बनाया जाए, महिलाओं को जागरूक बनाया जाए और महिलाओं को जो समाज की मुख्य धारा है उसे सीधे जोड़ने की कोशिश की जाए। महिलाओं को सबसे पहले सशक्तिकरण हम तभी दे सकते हैं जब हम उनको पूरी तरह से शिक्षित कर पाएंगे। जो शिक्षित करेंगी रोजगार उनको मिलेगा, वो आत्मनिर्भर होंगी तो परिवार भी खुशहाल रहेगा, समाज भी खुशहाल रहेगा। क्योंकि कहावत ही कि एक शिक्षित नारी पूरे परिवार को शिक्षित करती है। लेकिन मैं आजकल ये भी देख रही हूँ कि जो महिलाएं पढ़ लिख गई हैं, यहाँ मेरा विरोधाभास भी है आप कहेंगे तो, क्योंकि जो आजकल की परिस्थितियां मैं देख रही हूँ, जो लड़के भयभीत हैं कि वो शादी ही नहीं करना चाहते। Yes, उसका ये मेन कारण है कि यदि मैं उनसे बात करने जाती हूँ तो बोलते हैं मैडम क्या करूँ शादी करके। शादी करने के बाद लड़कियाँ जरा सी बात पे रूठ जाती है क्योंकि लड़कियों में अब सहन शक्ति नहीं रही, नहीं रही है। मैंने ये देखा है, मैं ये मानती हूँ कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, लेकिन लड़कियों को ये सोचना चाहिए कि हम शिक्षित हैं आज परिवार की वजह से, शिक्षा हमें परिवार को बेहतर और बेहतर बनाना सिखाती है, उसको तोड़ना नहीं सिखाती है। सबसे पहले तो माँ को चाहिए घर की कि वो लड़कियों को बचपन से ये बात डाले कि बेटा जहाँ जो जैसे पहले कहते थे कि ससुराल में जाएगी वहीं से अर्थी जाएगी। मैं ये कहती हूँ कि अन्याय बर्दाश्त मत करो लेकिन अन्याय करो भी मत करो। और लड़कियाँ चाहे कितनी भी आधुनिक हो जाएं, परिवार में बड़ों का थोड़ा बहुत सुनना और संयम रहना ये घर की मर्यादाओं के लिए जरूरी है और घर को चलाने के लिए जरूरी है। तो यदि लड़की थोड़ा सा सहन करने में कुछ जाता नहीं है, बेटा साल दो साल शादी में यदि तुम सहन कर लोगी तो जिंदगी भर सुख भोगोगी, लेकिन वो साल दो साल होते नहीं है, वो पढ़ती है या आत्मनिर्भर है तो लगती मैं तो अकेले भी रह लूंगी, कमाती हूँ मेरा क्या जाता है। और वो जो घर को तोड़ के लड़के को तोड़ के बच्चों को लेके चली जाती है परिवार, तो मैं ये देख रही हूँ कि उससे समाज में बहुत बुरा प्रसर आ रहा है। आज लड़के करोड़ों करोड़ों का डिमांड करती है, जो लड़का कहाँ से लेके आए। कितने लड़के ऐसे जो डर के बैठे हैं, शादियां नहीं कर रहे हैं, 35-35 साल के हो गए हैं। मैं उनको बोलती हूँ बेटा शादी कर लो, सब ऐसी नहीं होती। अरे नहीं आंटी मेरे दोस्त के साथ ऐसा हो गया, कल मेरे साथ, मैं ऐसे सुखी हूँ। मतलब एक 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 ऐसी नकारात्मकता है। हाँ। मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार जो है, सोचने में आता है कि हम जो पहले घूंघट में थे वो सही था। यस ये सोचने तो लड़कियों को ये चाहिए कि हमने आपको आजादी दी है तो आप इसका दुरुपयोग ना करो। यस यस मतलब शिक्षा के साथ संस्कार होना बहुत जरूरी है, परिवार को संभालने के, परिवार को जो आदर आदर होना चाहिए, बड़ों का प्रति आदर जो भूल गई है। अभी आपने सुना होगा नया चलन आया है कि लड़कियां यदि लड़का देखने जाता है तो लड़की पूछती है घर में डस्टबिन कितने,
आपको शायद ये वाक्य पता नहीं होगा, नहीं, नहीं, मैं, हाँ, क्या होता है डस्टबिन मतलब घर में बुढ़े कितने हैं। लड़कियों अच्छा। का ये सवाल लड़कों से रहता है, यदि डस्टबिन है तो मैं नहीं रहूंगी, तुझे अलग रहना पड़ेगा। मैं वो लड़कों को बोला कि तू उस लड़की से अब शादी नहीं करेगा बेटा, क्योंकि जो पहले आने के पहले ही तो उसको तूने ये जवाब देना था, तेरे घर में कितने डस्टबिन है, मम्मी पापा तुम्हारे नहीं है क्या? यस यस। और ये गुजराती समाज में आए दिन हो रहा है। अच्छा। और ये हकीकत है, हमारे अपने खास पहचान वालों के साथ हुआ। अच्छा। है। मतलब आपने बहुत बड़ी बात कही कि अगर अगर जो शिक्षित जो लड़कियां अगर इस तरह से पूछें कि मतलब माँ बाप और बुजुर्गों के बारे में इस तरह की तो धारणा रखें कि वो व्यक्ति नहीं बल्कि डस्टबिन है, डस्टबिन है, तो मुझे लगता है कि संस्कार देने की जरूरत है और ये बहुत खतरनाक स्थिति है। ये संस्कार उसकी माँ को देना जरूरी है। ये बेटी कैसे बोल सकती है, ये माँ को पता लगे तो माँ ने उसको डांटना चाहिए। मैं बोलती हूँ बेटियों में सारे संस्कार के उसके माँ के द्वारा ही दिए जाते हैं। पिता संस्कार नहीं डाल सकता, माँ डाल सकती है। पिता परवरिश कर सकता है, अच्छी दे सकता है, आपकी सुविधाएं दे सकता है, लेकिन हम सुविधाओं के साथ साथ यदि संस्कार नहीं देंगे तो सुविधाएं बच्चों को बहुत बिगाड़ देंगे। आप जैसे कि आपने खुद कहा अभी एक तरह का ये एक अभियान का हिस्सा होना चाहिए, तो क्या अग्निशिखा मंच इस तरह के अभियान को चलाने के लिए तैयारी में है कि ये जो मानसिकता है खासकर शिक्षित लड़कियों की या शिक्षित लड़कों की जो मानसिकता है, ये मानसिकता कहीं ना कहीं दूर हो और इसका समाधान हो? क्योंकि ऐसे मेरे पास केस बहुत आते हैं तो मैं करती हूँ, और मैं उन लड़कों जो अपने माँ बाप को नहीं देखते हैं या छोड़ देते हैं तो उन लड़कों को भी बराबर करती हूँ, पुलिस का डर दिखाती हूँ, ये करती हूँ। तो मेरे पास जहाँ तक आते हैं मैं उनको इसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ कि किसी का अहित ना हो, ना बच्चों का अहित हो ना पेरेंट्स का अहित हो, मिलजुल के एक घर में रहो एक साथ। और बच्चे पेरेंट्स हैं कितने दिन के, और कल को यही अनुसरण आपके बच्चे करेंगे तो आप वो भोगने को तैयार है? क्योंकि कहा जाता है कि चक्र चलता है वही चीजें रिपीट होती हैं। रिपीट होती हैं, बिल्कुल। तो ये सर्कल है, सामाजिक सर्कल इस तरह का ये होना ही चाहिए। तो ऐसे कितने बच्चे हैं कि माँ बाप, मैं एकता कपूर का एक वृद्धाश्रम है मीरा रोड में, मैं अक्सर वहाँ जाती हूँ, और वो सिर्फ महिलाओं के लिए और उन महिलाओं के लिए है कि जो किसी को जिनको पालने वाला कोई नहीं है। अच्छा। तो वहाँ पे एक महिला है, उसका एक छोटा सा वाक्य है आपको मैं सुनाना चाहूँगी कि मैं वहाँ पे गई, उसको पेलोरेटी अटैक था। मैंने उसको पूछा कि बेटा आपके कोई बच्चे बच्चे नहीं है? इतनी भड़क गई वो और कहती है कि आप ही लोग मेरे सब कुछ हो, मेरे कोई बच्चे नहीं है। फिर हमने धीरे से पूछा, मेरे का छाप बताओ, मैं आप अपनी कहानी तो बताओ, आप यहाँ कैसे पहुँचे? वो बोलती है उसका बेटा था, फिर उसके हस्बैंड नहीं थे, बेटे ने बड़े प्यार से एक पेपर पर साइन करा लिए, माँ मैं लोन ले रहा हूँ, सर्विस कर रहा हूँ, बहुत प्यार से रहता था और वो समोसे चाय के साथ बैठना खाना। एक दिन बोलता है मुझे घर से निकाल दिया, मैंने जैसे ही साइन कर दी और मेरे बाहर पड़ी रही, दरवाज़ा नहीं खोला, लॉक करके चला गया। मैं कब तक वहाँ पे बैठती, तब सामने मंदिर में बैठने लगी, वहाँ पे पूजा करती, पुजारी खाना देता, उसने मकान नहीं बेच दिया तुरंत। अच्छा। यानी पहले से उसने सब प्लानिंग कर रखी होगी। एक दिन बहुत बारिश हुई और रात को वहीं सो रही थी, उसको लकवा मार गया। तो एक भक्त जो आता था रोज मंदिर में, उसने उसको इस वृद्धाश्रम में, यहाँ पे इतनी सेवा हुई कि अब वो चलती है, डांस वांस भी करती, मेरे पास सब वीडियो है, तो इस तरह से करती है। तो मैंने वो वीडियो बनाया, हमारे साथ एक अमित जुनेजा जी आए थे तो वो मेरे साथ गए थे, तो उन्होंने पूरा वीडियो बनाया उससे बात करते हुए, हमारे साथ डांस कर रही है, हमने उसके साथ आइसक्रीम वगैरह उनको बाटी खिलाई। वो वीडियो हमने फेसबुक पे डाल दिया और यहाँ सर्वे कर दिया। दूसरे दिन मेरे को फ़ोन आता है एक आदमी का, कौन हो तुम, मैं अंधेरी से बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा होशियार बनती हो, ये करती हो। मैंने कहा वो कौन है, तू मेरे को जानता नहीं, आ सामने हो के बात कर, फ़ोन पे मत कर। दूसरे दिन एक लड़की का फ़ोन आता है, आपने वीडियो डाल के अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया है मैडम, बहुत अच्छा नहीं है, रोने लगी। मैंने बोला तुम कौन हो, मेरे से बात तो करो। नहीं, वो फिर फ़ोन करती है, बोलती वो मेरी माँ है। तो मैंने कहा तुम्हारी माँ है तो ले जाओ बेटा, अब तो तुमको पता लग गया कि तुम्हारी माँ है। बोलती नहीं, मेरे हस्बैंड नहीं लाने देंगे। तो उसके बाद मुझे दोबारा फोन आया नहीं, लेकिन मेरे को समझ में आया कि उस बेटे ने बोल दिया होगा मेरी माँ मर गई है। yes, मैंने वायरल किया तो रिश्तेदारों को पता लग जाएगा, तो उन्होंने मुझे, मतलब इस तरह के हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए, नहीं होने। आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगी अपने जैसे तमाम महिलाओं को, तमाम अपने संस्था के लोगों को और देश की तमाम बेटियों और महिलाओं को? मैं बेटियों से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि बेटा खूब पढ़ो लिखो, बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचो, लेकिन जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि अपने से बड़े और घर के बुजुर्गों का सम्मान करें, उन्हें उतना ही आदर दें, उनका दिल ना दुखाएं, बस ये। आप सब कुछ तभी पा सकती हैं जब बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ होगा, नहीं तो सब कुछ पाने के बाद भी जीरो हैं आप। बहुत ठीक कहा आपने। मैं दोबारा जावेद अख्तर साहब की उस कविता को दोहराना चाहता हूँ कि ख्वाब हैं जिंदगी है तो ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है,
हौसला है तो विश्वास है कि फाइटर हमेशा जीतता है। जी हाँ। अलका पांडे जी का जो जीवन परिचय है और जो उनका कामकाज है वो इसी तरह से एक फाइटर की तरह हमेशा नज़र आती रही हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इनका जो संघर्ष है समाज को न्याय दिलाने के लिए, महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए और इस पूरे समाज को जागरूक करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए जो आपका संघर्ष चल रहा है, इस संघर्ष में आप निश्चित तौर पर जीतें और उसका फ़ायदा समाज को हो। हम इसी उम्मीद के साथ आज की इस बातचीत को ख़त्म करते हैं। आपको अगर हमारी ये बातचीत आपको अच्छी लगी है तो अपनी राय आप हमें ज़रूर दीजिएगा। अब आज बस इतना ही। अगली बार हम फिर किसी एक नई शख्सियत के साथ मिलेंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए टीवी वन इंडिया। नमस्कार। इंडिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।